बिहार विधानसभा द्वितीय पर्याय निर्वाचन आज प्रचार शेष हो 2020 बिहार निर्वाचन जो द्वितीय पर्याय नवंबर 3 तारीख में होता बेले आउ किसी घंटा मध्य द्वितीय पर्यायर जो निर्वाचन निर्वाचन प्रचार बंद हवाक जामे बर्तमान अच्छु दीघा निर्वाचन मंडली जोटा कि पटना सहर मध्य आसूची एक छोट गाँव में आसतु एठिकार जो अच्छा स्थायी बासीदा अच्छा स्थानीय बासीदा अच्छा सागर कथबार्ता हाँ कौन तक इच्छा रही प्रकार क्यों प्रकार सरकार से चाहूंगी क्या देख रहे आपको क्या असुविधा है क्या ये जो सरकार से क्या उम्मीद है आपको मदद करते गरीब के ता ना भाई बा कहाँ मदद करे कहाँ आपका जो ये रेशन कार्ड वगैरह सब कुछ मिल रहा है कहाँ कुछ मिलता है कुछ नहीं खाली घर पर कल है पैखाना सब बनाता है घर पर अखनी सब कुछ गिरा हुआ है सिटी में घर है यहाँ किराए में रहते हैं ये जो चुनाव देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद है सर किसी किस देखिए सर अब तो पुराना सरकार से 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाए 15 साल में कुछ नहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था सही चरमराया हुआ है शिक्षा का व्यवस्था सही चरमराया हुआ है परिवर्तन तो होना चाहिए अब यंग ब्लड हैं तेजस्वी यादव उनको मौका मिलना चाहिए एक बार सरकार से क्या उम्मीद है सरकार से सर हम लोग का यही उम्मीद है चाहे किसी पार्टी का सरकार बने हम लोग का यही उम्मीद है कि जो छोटे छोटे दुकानदार लोग जो हैं उनका भी व्यवस्था होना चाहिए ये नहीं कि उखाड़ फेंक देना नहीं चाहिए क्या उम्मीद रखते हैं सर देखिए युवा को आना जरूरी है सर ठीक है और जो अभी वो बात बोले कि सर ट्रांसपोर्टेशन और रोड कनेक्टिविटी हो जाने से सर बिहार का उद्धार नहीं होगा जब तक आपको शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सही नहीं होगा तब तक सर बिहार में प्रगति नहीं होगा सर मेरा तो यही कहना है कि बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर जो सरकार चला रहे हैं बहुत अच्छा है क्योंकि एकाएक ही परिवर्तन नहीं हो जाता है कि हम चाहें कि कल रोड बन जाए तो रोड बन जाएगा धीरे धीरे समय लगेगा और रह गई रोजगार की बात तो ये जो रोजगार है ना ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि अमेरिका वाला सिस्टम लागू किया जा रहा है अमेरिका में जैसे जितना गवर्नमेंट का है था वो सब कॉर्पोरेट को कर दिया है वही सिचुएशन बिहार में आना चाह रहा है परिवर्तन होना चाहिए अच्छा और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कोई सरकार रहे समस्त कर चाहूँ जो नुआ सरकार आसबर जमी सुविधा सुजोग देपार तथा रास्ता घाट टू आरंभ कर स्वास्थ्य व्यवस्था किसी उन्नति हबार समस्ते चाहते कैमरामैन राकेश साह रंजन आचार्य न्यूज 7 पटना।